लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दियों में पैरों की देखभाल के लिए अपनाएं हमारे टिप्स, फटी एड़ियों से मिलेगा छुटकारा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दियां आते ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में त्वचा में ड्राइनेस बढ़ने लगती है, जिस कारण हमारे हाथ पैरों की त्वचा रूखी और बेजान लगने लगती है। इस दौरान कई लोगों की एड़ियां भी फटने लगती हैं या पैरों में खुजली, इरिटेशन भी होने लगता है। इस कारण कई बार चलने में परेशानी होने लगती है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो इस समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं, जाने सर्दियों में पैरों की देखभाल कैसे की जाए। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जो आप फॉलो करेंगे तो आपके फटी हुई एड़ियाँ अच्छी होंगी और फटने से भी बचेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, गुनगुने पानी से पैर साफ करें। नहाते वक्त पैर धोने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे पैरों की स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहती है। साथ ही पैरों के लिए गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, अन्यथा यह पैरों को ज्यादा ड्राई रहने का कारण बन सकता है। पैरों को मॉइस्चराइज जरूर करें। सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ने से एड़ियों की त्वचा में पपड़ीदार होने लगती हैं। ऐसे में एड़ियां फटने लगती हैं, साथ ही पैरों में ड्राइनेस बढ़ने से खुजली भी होने लगती है। इसलिए सर्दियों में नहाने के बाद पैरों और एड़ियों को भी मॉइस्चराइज रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि आप पैरों को मॉइस्चराइज किए बिना मोजे नहीं पहने, अन्यथा ये पैरों में इचिंग होने का कारण बन सकता है। पैरों को स्क्रब करें। अगर आप पैरों की गंदगी ठीक से साफ नहीं करते हैं तो इससे आपके पैरों में गंदगी जमा हो सकती है, जो इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। इसलिए नहाने के दौरान पैरों को स्क्रब जरूर करें। इसके लिए आप फिजिकल स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिन भर गंदे मोजे पहने रहते हैं तो इससे आपके पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही लंबे समय तक मोजे पहनने से भी स्किन इरिटेट हो सकती है। इसलिए पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज करें और फिर रात को सोने से पहले मोजे जरूर उतार दें। अगर सर्दियों में आपकी एड़ियां बार बार फटती रहती हैं तो रात को सोने से पहले गुनगुने तेल से पैरों की मसाज करें। मसाज करने से आपके पैरों को रिलैक्स मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा। इसके लिए आप सरसों के तेल को गुनगुना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों के नाखूनों को छोटा रखें। अगर आप सर्दियों में भी पैरों के नाखून बड़ा कर रखते हैं तो इससे आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। दरअसल सर्दियों के दौरान हम दिन भर मोजे पहने रहते हैं, जिससे नाखूनों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। इसलिए सर्दियों के दौरान अपने नाखूनों को हमेशा छोटा ही रखें, जिससे आपको इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।